सर ये अंडर पास नहीं है, ये तो खंडर पास है। मोहनजोदड़ो का रास्ता भी शायद इससे अच्छा हो। हर सीट पे जो बैठा है एक फिरौन बैठा हुआ है, उसके लिए अल्लाह ताला को गैब से मूसा पैदा कर दे तो हो सकता है। लोग अपने फोटो खिंचा खिंचा के चले जाते हैं। मुझे तो लगता है कि जैसे मैं 1400 साल पहले पहुंच गया हूं, पास में चला गया हूं। इतना मतलब मोहनजोदड़ो का रास्ता भी शायद इससे अच्छा हो। और जिस तरह का हशर किया हुआ है, ये KMC कह लें या मेयर साहब कह लें, मुर्तजा वहाब साहब को यहाँ ला के विज़िट कराएं कि ये कौन सा कराची है, ये कौन सा शहर है जिसका आपने ये हशर किया हुआ है। और अंडरपास तो छोड़े, यहाँ आपके सामने अभी मिट्टी उड़ रही है, कचरा पड़ा हुआ है, किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। दरख्तों के आप हालत दिखाएं इनको, ये दरख्तों का हाल हुआ हुआ है। तो आदमी मतलब पैसे किस लिए देता है? गवर्नमेंट को टैक्स इसलिए भरता है, हमसे टैक्स तो पूरा ले लेते हैं, हर चीज़ का टैक्स देते हैं। एक बच्चा एक 10 रुपए का चिप्स लेता है, उस पर भी टैक्स देना पड़ता है हमें। नासिर शाह साहब चिल्लाते हैं इमरान खान के लिए, ओ भाई जो तुम्हारे पास है उसको तो कर लो पहले, बाद में इमरान खान को रोना तुम। रास्ते सही कर दो, पानी का मसला हल कर दो। इतना बड़ा घड़ा है अंदर, इतना कचरा है, इतनी गंदगी है कि मुझे पूरा डाउट है कि मेरी गाड़ी के अंजर बंजर पूरे हिल चुके हैं। अंधेरा होता है और लूट मार का भी खतरा होता है, लेकिन अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब गवर्नमेंट जो है वो सोई बैठी है। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो बड़े परेशान है, और जिनका रोज़ का गुजर है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन मजबूरी है, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। हर सीट पे जो बैठा है एक फिरौन बैठा हुआ है, उसके लिए अल्लाह ताला कोई गैब से मूसा पैदा कर दे तो हो सकता है। बाकी यहाँ हाल अहवाल तो ऐसे ही है, सारा मामला डिपार्टमेंटों का बुरा हाल है। जिस डिपार्टमेंट में जाओ रिश्वत का बाजार गर्म है। गड्ढे इतने गड्ढे नज़र नहीं आते, पानी निकालते ही नहीं, और अंदर जो नालियाँ बनी हुई हैं उसमें से भी पानी नहीं निकालते, एकदम गड्ढे ही गड्ढे होते। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कोई सुनने के नहीं आते ही नहीं है, लोग अपने फोटो खिंचा खिंचा के चले जाते हैं, और रोड बनाते हैं, बारिश आती है तो रोड ही गायब हो जाते हैं। इतने बड़े खड्डे हैं, जो नया बंदा आएगा उसको थोड़ी पता है कि इधर खड्डे है, वो तो अपने हिसाब से सीधा जाएगा तो अचानक नज़र पड़ेगा खड्डा है, ब्रेक लगता है कभी नहीं लगता है। तो हादसे भी काफ़ी दफ़ा हादसे भी हुए हैं, ये रोड तो बहुत इशू करता है यार। गवर्नमेंट को क्या कह सकते हैं, आजकल का हुकूमत देख रहे हो आप खुद, रोड रास्ता किधर भी नहीं है। ये तो आप अंडरपास की बात कर रहे हैं, पूरा कराची आप घूमो किधर भी रोड रास्ता नहीं है। हमारा पाकिस्तान में जो ये हुकूमत जो है ना, ये अंधा है, जिसको ये पता नहीं कैसे बनाएगा कैसे नहीं बनाएगा, कैसे सिस्टम चलेगा। ये सारा हर जगह में तुम जाए अंडरपास या रोड, तुम्हारा कोई से टूटा हुआ नजर आता है। सर ये अंडरपास नहीं है, ये तो खंडर पास है, खतरनाक। क्या आप हालत तो देखें उसकी, गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है इस पर किसी भी किस्म की ना। बेचारे लोग कैसे परेशान, अंदर डकैती भी हो जाती है कभी कभार। तो मैं खुद एक दो दफ़ा बचा हूँ उधर ना, ये वाला भी अंडर पास है, लियाकताबाद वाला भी ऐसा है, आगे जाओ गरीबाबाद वाले का भी यही हाल है ना। अभी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इसको कोई मेंटेन ना करे, इसको पूरा नया बनाए ना।